नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच कर रही ईओयू की टीम ने साइबर क्राइम का एक नया मामला दर्ज किया है। देवघर से गिरफ्तार तीन आरोपियों के खिलाफ अब साइबर फ्रॉड का केस दर्ज किया गया है। ये तीनों आरोपी पंकू, परमजीत और राजीव है। शेखपुरा का रंजन कुमार इनका सरगना है। ईओयू ने चारों के खिलाफ साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज कर लिया है और चारों पर फर्जी तरीके से मोबाइल और सिम कार्ड उपलब्ध कराने का आरोप है और इसको लेकर ये मामला ईओयू की टीम ने दर्ज किया है, जिस पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि देवघर से छह लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उनमें से जो ये चार हैं, बताया जा रहा है कि सभी साइबर फ्रॉड से जुड़े थे और फर्जी सिम और मोबाइल उपलब्ध कराते थे। और चलिए अब जानते हैं कि ये साइबर क्यों है और इसके किस तरीके से इसके तार इससे जुड़े हुए हैं। ईओयू की नजर में पंकू, परमजीत, राजीव रंजन कुमार साइबर अपराधी है और इस गैंग ने संजीव मुखिया से जुड़े लोगों को कई सारे सामान उपलब्ध कराए थे। फर्जी पते पर सिम कार्ड और मोबाइल उपलब्ध कराया गया था और इसी गैंग के दिए गए सिम कार्ड पर चिंटू को नीट का प्रश्न पत्र और आंसर शीट आया था। साइबर गिरोह नौकरी दिलाने और लोन दिलाने का ये गोरख धंधा भी कर चुका है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि अब कार्रवाई की जा रही है। रांची से न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, ये चार लोगों का नाम अब सामने आ रहा है जो साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है, क्या और डिटेल जानकारी, कब से ये सब कुछ चल रहा था? जिस तरह से पूरे मामले में नए खुलासे लगातार किए जा रहे हैं, पिछले दिनों अगर पूछी जाए तो रॉकी का नाम जो है कि वो रांची से सामने आया था कि जिसने जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो सॉल्व पेपर हैं, वो मुहैया कराया था सिंकू को, क्योंकि वो घर का रहने वाला था और उसके बाद वो पेपर जो है वो पटना पहुंचाया जाता है, जहाँ पर तमाम लड़कों तमाम सवालात जो हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर थे, उनकी पूरी जानकारी दी जाती है, टवाया जाता है ताकि वो परीक्षा में पास हो पाए। वहीं इस पूरे निक्सस में जिस तरह से देवघर का नाम सामने आया, मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके द्वारा जिस सिम कार्ड और जिस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है। जो सिम कार्ड है वो भी दूसरी जगह से लिया गया था, दूसरे के नाम पे था। यही कारण है कि इन पर साइबर फ्रॉड का जो मामला है वो ईओयू के द्वारा दर्ज कराया गया है और पूरे मामले की जांच जो है अब की जा रही है। पूरे मामले में जिस तरह से ये पूरा खुलासा हुआ है, उसमें कई अहम कड़ियां जो है वो झारखंड से जुड़ती हुई पाई जा रही है, जिसमें न सिर्फ रांची, हजारीबाग और देवघर जैसे तीनों जिले जो है वहां से तमाम लोग शामिल हुए और इन लोगों के द्वारा की तरह से अगर कहा जाए तो इस नेक्सस को सपोर्ट किया गया है। अब तक हजारीबाग में भी जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, हालांकि जो स्कूल के प्राचार्य हैं ओएफएस की, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसमें स्कूल प्रबंधन का कोई भी फॉल्ट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन और कूरियर सर्विस पर उन्होंने सवाल उठाया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो जांच की जा रही है। ठीक है, ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, बोरियो विधायक लोबिन के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल का मामला चलेगा। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। लोबिन हेमरम और जेएमएम को 5 जुलाई तक पक्ष रखने का नोटिस जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बोरियो से जेएमएम के विधायक हैं लोबिन हेमरम, जिनके खिलाफ अब स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल का मामला चलेगा। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने ही इसको लेकर शिकायत की है और अब बताया जा रहा है कि लोबिन हेमरम और जेएमएम दोनों को ही 5 जुलाई तक अपने अपने पक्ष रखने होंगे। रांची से न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, अब कहीं ना कहीं लड़ाई सीधे सीधे हो गई है। कई बार हमने देखा कि अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं लोबिन हेमरम, और अब इसका एक रिएक्शन माना जाए इसे? देखिए, इससे पहले भी चुनाव के वक्त ही जब वो गठबंधन के खिलाफ जब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी और वो निर्दलीय राजमहल सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उसी वक्त पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया था। और इस निष्कासन के बाद हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जो पार्टी सुप्रीमो हैं, शिबू सोरेन ने विधानसभा को लिख के दिया है और 10वीं अनुसूची के तहत उनके खिलाफ जो है मामला
चलाने की बात कही है। स्पीकर ने उसे स्वीकार कर लिया है, मामला अब दर्ज हो चुका है स्पीकर कोर्ट में और 5 जुलाई को दोनों ही पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है और अब इसके बाद जो दल बदल के तहत जो सुनवाई होती है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि अगर हम वैसे देखें तो बहुत वक्त नहीं बचा है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, 5 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, तो अगर अब तक का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें जो दल बदल के मामले में अब तक जो सुनवाई होती रही है बहुत लंबी सुनवाई होती है, इसका फलाफल कितना होगा ये अलग बात है लेकिन इसका एक राजनीतिक संदेश जरूर है और राजनीतिक संदेश स्पष्ट तौर पर है कि इससे पहले लोबिन हेमरम बहुत ज्यादा हमलावर रहते थे अपनी ही सरकार के खिलाफ, अब पार्टी ने ही उन्हें किनारा कर दिया और पार्टी अब उनके खिलाफ है। ठीक है अविनाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, 25 जून 1975 ये वही तारीख है जिस दिन देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लगाए जाने पर अपनी मुहर लगाई थी। ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक देश भर में लागू रही। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये 21 महीने काफी विवादास्पद रहे। इन 21 महीनों में जो कुछ भी हुआ, सत्ता दल अभी भी कांग्रेस को समय समय पर कोसते रहते हैं। इमरजेंसी के 49 साल पूरे होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपातकाल की तारीख को काला दिन बताते हुए कहा, संविधान को बचाने की बात करने वाले लोगों ने ही आपातकाल लागू किया था और आम लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। तो इमरजेंसी को लेकर लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस को घेरा जा रहा है, जहां आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी और अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। इनमें सारे संवैधानिक अधिकार सस्पेंड करके इंदिरा गांधी जी ने सब अधिकार खुद रख लिया था। जबरन लोगों को बिना बेल के प्रोविजन वाले मीसा एक्ट में बंद कर दिया गया था। लाखों नेता बंद हुए थे, उसमें से कई ऐसे नेता हैं जो आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी हैं। जबरन लोगों को पकड़कर नसबंदी कराई गई थी, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की शक्तियां छीन ली गई थी। तो जो लोग संविधान को बचाने की आज बात कर रहे हैं उन्होंने संविधान की 50 वर्ष पूर्व हत्या की थी। इमरजेंसी को लेकर बीजेपी के लगाए सवाल पर कांग्रेस ने जवाब दिया है। बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा, पिछले 10 सालों से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। देखिए, ये सिर्फ तारीख के रूप में लोगों को गुमराह करने का विषय है। पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोग अघोषित आपातकाल का दृश्य लगातार देख रहे हैं, संस्थागत जो क्षरण हुआ है, जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, जिस प्रकार से लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, यहाँ तक कि मीडिया पर भी अंकुश लगाया गया है, वो लोग देख रहे हैं। तो ये सारी बातें अब सिर्फ बातें ही हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर महागठबंधन के दल भी जोर शोर से लगे हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक के बाद राज्य की 33 विधानसभा सीटों पर नेता और कार्यकर्ता तैयारी में जुट जाने का निर्देश दे दिए गए हैं। जेएम ने कहा है कि बैठक के बाद सीटों पर फैसला लिया जाएगा कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी का विस्तार करता है, अपनी पार्टी को मजबूत करता है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत कर रहा है। हम 81 विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, बूथों को मजबूत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब 81 विधानसभा में बूथ मजबूत होगा तो जो भी गठबंधन का साथी वहां से चुनाव लड़ेगा उसको उसका फायदा पहुंचेगा। देखिए, गठबंधन के तहत चुनाव हम लड़ेंगे ये तय है। सीटों का बंटवारा जो फॉर्मूला पिछली बार था कमोवेश, वो फार्मूला इस बार भी रहने की संभावना है, लेकिन साथ ही विनेबिलिटी फैक्टर, किसका कैंडिडेट कौन चेहरा होगा, कौन किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है, इन विषयों पर भी विचार विमर्श होगा जब संयुक्त बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, और उसमें 2-3 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि आयोग के दिशा निर्देशानुसार राज्य में 25 जून से 24 जुलाई तक मतदाता सूची के लिए दोबारा मतदाता सूची में सुधार किया जाएगा। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का सुधार करेंगे। इसी साल में होने वाला विधानसभा चुनाव का
मद्देनजर रखते हुए कमीशन का द्वारा निर्देश है, उसी के अनुसार कमीशन के निर्देश के अनुसार काम प्रारंभ शुरू हो रही है। इसमें 1 जुलाई को किसका 18 उम्र हो रहा है उनका सब अपने नाम का दर्ज, इसमें किसका भी अभी नाम छूट गया, किसी का भी कोई मिस्टेक है, वो सब अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसका करेक्शन किया जाएगी। कोडरमा से बड़ी खबर है, डबल मर्डर केस के पीड़ित परिवार वालों से मिले हैं बगोदर के माली विधायक विनोद सिंह और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से बात हुई है और जल्द ही पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलवाकर लिखित आवेदन सौंपा जाएगा। बता दें 22 जून को देर रात बिहार से आए अपराधियों ने शांति मोटल रेस्टोरेंट के पैसे लेन देन को लेकर गोलीबारी की थी। गोली लगने से होटल मैनेजर और एक कर्मी की मौत हो गई। और जो दोनों ही परिवार है, वो नौजवान के जो उनके परिवार हैं, बच्चे हैं, सब उनके ऊपर आश्रित थे और इनके पास और कोई इलाकों के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, मैंने मुख्यमंत्री से भी मिल करके भी और लिखित रूप से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने कहा कि संबंधित पीड़ित परिवारों से भी एक आवेदन आ जाए, तो मुझे लग रहा है कि परिवार लोगों को मिलेगा। गोड्डा के सदर अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अस्पताल कर्मियों का एक महिला से पैसा लिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अस्पताल के ड्रेसिंग रूम का ये वीडियो है जिसमें महिला एक व्यक्ति को 100 रुपए का नोट देते दिखाई दे रही है। आरोप है कि सदर अस्पताल में मरीजों से ड्रेसिंग के लिए 50 से 100 रुपए तक मांग की जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद सिविल सर्जन अनंत झा ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। वीडियो में पैसे लेने वाले शख्स से 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है। वीडियो वायरल हुआ है और वो मुझे भी भेजा गया। इसमें यह एक गंभीर, अगर ये मामला सत्य है तो ये एक गंभीर मामला है, और क्योंकि अस्पताल में हमको सारी सुविधाएं निःशुल्क देनी है और अगर हमारे कर्मियों के द्वारा इस तरह का किया जाता है, जो कि भेजे गए वायरल वीडियो से यह स्पष्ट हो रहा है, तो इस संबंध में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि सदर अस्पताल में पैसे का खेल चल रहा है। सवाल तो ये भी बनता है कि मरीजों से पैसे लेने वाले आरोपियों पर कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि अस्पताल में जो इलाज है वो निःशुल्क है, ऐसे में लोगों से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं और कब तक मरीजों को परेशान किया जाएगा। सवाल ये भी कि सदर अस्पताल में पैसे का खेल क्यों चल रहा है। और मौसम से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, झारखंड में मॉनसून आगे बढ़ रहा है। मॉनसून के रांची पहुंचने में अभी 2 से 3 दिन लगेंगे। वहीं संथाल और कोल्हान में मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कोल्हान से आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। संथाल और कोल्हान में मॉनसून की बारिश हो चुकी है। संथाल और कोल्हान में 26 जून को बारिश की संभावना जताई जा रही है। झारखंड के कई जिलों में भी आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। संथाल और कोल्हान में मॉनसून दस्तक दे चुका है, लेकिन रांची के आसमान में आज भी मॉनसून के बादलों के बेईमान होने का इंतजार है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी मॉनसून आने में, खासकर रांची में, 2 से 3 दिनों का वक्त लगेगा, लेकिन रांची के लोग आज भी गर्मी झेल रहे हैं, गर्मी से परेशान हैं। आमतौर पर 10 जून तक राज्य में मॉनसून आ जाता है, मॉनसून की बारिश देखते हैं, ठंडा ठंडा कूल भी देखते हैं, लेकिन अभी भी लेट है बहुत। जो पहले तो मॉनसून ऐसी थी कि रांची में तो एसी की भी आवश्यकता नहीं थी, कूलर भी लोग नहीं यूज करते थे, और शाम को जैसे ही थोड़ा सा होता था गर्मी और शाम को बारिश होती थी, मौसम सुहाना हो जाया करता था। इस समय तो कूलर और एसी के रहने का समय हो गया है, और रहता नहीं था। मॉनसून बहुत लेट से आई है, इसके कारण हम लोग को गर्मी झेलना पड़ रहा है, पेड़ कटने के कारण से, चाहे जो भी हो कारण। देखिए यहाँ पर बोले कि जो मॉनसून में बदलाव आया, ज्योग्राफी तो पढ़ते हो, मॉनसून में बदलाव आने का कारण है सामान का जरूरत से ज़्यादा प्रयोग करना। सामान अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं दे सकती। तो बच्चे लोग छाता देने के निकल रहे हैं, जिसकी वजह पेड़ कटना एक है, एक इतना अत्यधिक मात्रा में गाड़ी चलना एक हो सकता है, कितना पोल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से पूरा वेदर फोरकास्ट ही बिगड़ गया है। जहाँ पे मानसून आना चाहिए था, यहाँ पे इतनी तेज गर्मी हो रही है,
की। लेकिन राजधानी रांची के लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोल्हान के रास्ते से आगे बढ़ना था वो धीमी पड़ गई है और ऐसे में अब लोग इंतजार कर रहे हैं तो मानसून के बेईमान होने का। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अब बात राजधानी रांची की करते हैं, जहां लोगों को जाम से निजात दिलाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसे सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची वासियों को अब जाम से मिलेगी मुक्ति। राजधानी को मिलने जा रहा है नया फ्लाईओवर। फ्लाईओवर की सौगात, जाम से मिलेगी निजात। अगर आप राजधानी रांची में रहते हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। अब आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी, ऑफिस जाने में लेट नहीं होगा, बच्चे समय पर स्कूल जाएंगे, क्योंकि रांची वासियों को अब जाम से निजात मिलने वाली है। राजधानी रांची समेत अन्य शहरों को जाम मुक्त बनाने को लेकर राज्य सरकार नई कवायद शुरू कर दी है। राज्य में 12 फ्लाईओवर निर्माण बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें सरायकेला में 2 और दुमका में 1 फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वहीं 9 फ्लाईओवर रांची में बनाए जाएंगे। रांची में जो भी फ्लाईओवर बन रहे हैं, सीएम ने उनका काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। वैसे सीरम टोली फ्लाईओवर का काम अब अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि 2 महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड में चुनाव होने जा रहा है, ये फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं। फ्लाईओवर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन समय का चयन गलत है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ है नहीं, 10 साल देश की संपत्ति बेच दिया, वो चुनावी स्टंट नहीं था, तो वो चुनाव के लिए राजनीति करती है। कम है, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह का हिम्मत नहीं दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के लगातार यहाँ सरकार रही, केवल भाषणबाजी करते रहे मुख्यमंत्री जी और उन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, कोई पॉजिटिव वर्क नहीं हुआ, खाली निगेटिव बातें चलती रही। वैसे किसी भी शहर को जाम से मुक्त करने के लिए फ्लाईओवर एक बेहतर विकल्प होता है, इसलिए रांची में बन रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो, जनता इसकी उम्मीद लगाई है, ताकि रांची शहर वासियों को जल्द से जल्द ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके। रांची से न्यूज 18 संवाददाता राहुल देव की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम में चकधरपुर नगर परिषद के शमशान घाट में इन दिनों कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों को दुर्गंध से परेशानी का सामना करना पड़ता है। गंदगी से आसपास रहने वाले लोगों को बीमारी का डर भी सता रहा है। शिकायत मिलने पर गिरिराज सेना प्रमुख उमा शंकर गिरी ने शमशान घाट का जायजा लिया और समस्या को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी से भी बात की। पूरा टाउन का कचरा यहाँ पर फेंका जा रहा है, जबकि 3-4 साल पहले हमारे भाई साहब कमलदेव गिरी जी, सुशील झा जी का समय एक लेटर दिए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 महीना के अंदर हम जमीन ले रहे, कचरा वहाँ फेंकाएगा, लेकिन इस पर किसी तरह का पहल नहीं हुआ। 3-4 साल हो गया, फिर भी इस शमशान घाट को एकदम कचरा खाना बना दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।